तो यहां पे देखो लैपटॉप का कीबोर्ड किस तरह से काम करता है। लैपटॉप के अंदर ये कीबोर्ड लगी है, लेकिन एक मैट्रिक्स लाइन के अंदर लगी है, मैट्रिक्स लाइन बनी हुई होती है। मैट्रिक्स लाइन किस तरह से कि ये इस तरह का हमारा ये कीबोर्ड है, जिसके अंदर आपको इस तरह के की दिखते हैं, लेकिन थोड़े बहुत इस तरह से ये मैट्रिक्सली कनेक्टेड है, इस तरह से, ये इस तरह से। अभी इसका कनेक्शन इस तरह से, वैसे ही यहां पे दूसरी भी की आएगी। तो इस मैट्रिक्स तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं। अभी ये जो कनेक्शन है ये खास पोजीशन बताते हैं। जैसे कि आपने ए को प्रेस किया, क्या किया, ए को प्रेस किया, तो आपका ए यानी कि ये है वन और ये है यहां पे ए, तो ए ए वन यानी कि आपका ए की, वैसे ही इसको पूरा इस तरह से एड्रेसिंग किया है, यानी कि आपने पर्टिकुलर इस की को प्रेस किया है। वो कैसे पता चलता है, एक माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, एक माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा एक तरह का डेटा बनता है पर्टिकुलर ए कैरेक्टर के लिए, वैसे ही बी कैरेक्टर, सी कैरेक्टर। तो यहां पे मैट्रिक्स भी कनेक्टेड, यानी कि ए यहां पे ए, क्यू यहां पे देखो डब्ल्यू है, एच है, एक्स है, वैसे ही ई डी सी, चार का भी मैट्रिक्स कोड बनता है। तो चार चार का मैट्रिक्स कोड बनता है, तो आपने देखा होगा कभी 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 ऐसा होता है कि भाई चलो हमारी पूरी लाइन नहीं चलती इस तरह से, तो पूरी एक लाइन नहीं चलती है, तो उसका मतलब होता है आपका कीबोर्ड का पीछे का जो एक कनेक्टर है उसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन आपकी खराब है। अगर ये सी मैट्रिक्सली आपको कोई की नहीं चलती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको आगे से, इसके अंदर देखो इसके अंदर कार्बन के पैड बने हैं, कार्बन के पैड बने हैं, जो कार्बन के पैड हमारे मदरबोर्ड के कनेक्टर के साथ में कनेक्ट होंगे। तो मदरबोर्ड का जो कनेक्टर होता है यहां पे अपना कीबोर्ड का एक कनेक्टर है, इस कीबोर्ड के कनेक्टर के ऊपर ऐसे तक कनेक्ट होता है। अभी पर्टिकुलर एक लाइन आपकी खराब हो गई है, यानी कि इसके ऊपर के कार्बन घिस गए, तो आपका कीबोर्ड किस तरह से बिहेव करेगा कि आपका ये इस तरह से मैट्रिक्स में कोई भी की काम नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में कैसे करेंगे कि कीबोर्ड के कनेक्टर को आगे से थोड़ा काट लेंगे, उसके अंदर 1 mm जितना कट लगा देंगे, ठीक है, पूरा नहीं काट लेना है, क्या करना है, आगे से थोड़ा काट लेना है। अभी नया कॉन्टेक्ट यानी कि उसके पीछे का जो कार्बन है वो यहां पे टच कर लेगा और ये आपका कीबोर्ड चालू कर देगा। तो ये जब भी हम लोग रिपेयरिंग के लिए बार बार कीबोर्ड को खोलते हैं, उसको उसके अंदर फिर से लगाते हैं, इसके कारण ये कार्बन जो होता है वो कार्बन घिस जाता है, इसकी वजह से होता ये है। हमारे पास में और प्रॉब्लम के लिए आया था, लेकिन अभी कीबोर्ड की सीक्वेंस में लाइन नहीं चल रही है, तो उस समय में क्या करना है, कार्बन को स्ट्रिप को आगे से कैंची से 1 mm जितना काट लेना है, काट लेंगे। अभी नया कॉन्टेक्ट पीछे की ओर है, अभी नए कॉन्टेक्ट से वो लग जाएगा, यानी ये अभी आपकी की चालू हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर लाइन आपकी कटती है, एक लाइन अगर आपकी कटती है तो ये 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर ऐसे आपके इफेक्ट में नहीं आएंगे, यानी कि वर्किंग में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कीबोर्ड के अंदर W नहीं चल रहा है, L नहीं चल रहा है, C नहीं चल रहा है, ऐसे अलग अलग की नहीं चल रही, तो उसके लिए आप ये कट करोगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर समझो कि पर्टिकुलर एक की नहीं चल रही है लेकिन दूसरी तो चल रही है ना, इसके बाजू वाली भी चल रही है ना, तो उसका मतलब कि लाइनों के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो उसका जो कॉन्टेक्टर है वो खराब हो गया है। इसके नीचे क्या होता है, 2 पैड होते हैं, इस तरह के 2 पैड है, इसके बीच में एक लेयर है, प्लास्टिक का एक लेयर है, यहां पे आप रबड़ से जब हम इसको प्रेस करते हो तो इधर का जो कॉन्टेक्ट है इधर के कॉन्टेक्ट के साथ में टच होता है, इसके बीच में क्या है, एक इंसुलेटर है, तो जब आप ऊपर से प्रेस करते हो तो एक की टच होती है, लेकिन ये टच होने वाला एरिया खराब हो गया है तो पर्टिकुलर एक की नहीं चलेगी। तो इस तरह से कीबोर्ड की पर्टिकुलर एक की नहीं चलती है तो हमें पूरा कीबोर्ड बदलना पड़ता है। और अगर आपको ऐसे मैट्रिक्सली एक साथ में 3-4 की, लेकिन सीक्वेंस कैसी, इसी तरह की,
इसी तरह की सीक्वेंस नहीं चलती है तो फिर उसका मतलब होता है आपका ये कनेक्टर का जो एक लाइन है पर्टिकुलर वो खराब है, या फिर ये लाइन आगे जहां पे जाता है आपने कट कर लिया फिर भी अभी कीबोर्ड नहीं चल रहा है, या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये करेंगे कि आपने दूसरा कीबोर्ड लगा के भी देख लिया, दूसरा कीबोर्ड लगाने से भी कीबोर्ड की पर्टिकुलर वही की नहीं चल रही, यानी यही सीक्वेंस वाली की नहीं चल रही, तो फिर नए कीबोर्ड पे भी स्ट्रिप कट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी मतलब क्या है कि ये लाइन अभी जो आगे जा रही है ना वो आगे जाने वाली लाइन खराब है, तो आगे ये लाइन लैपटॉपों के अंदर कहां जाती है, तो एक माइक्रो कंट्रोलर इसके लिए लगता है, तो आपका डेस्कटॉप का जो कीबोर्ड होता है तो डेस्कटॉप के कीबोर्ड के लिए तो उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर बना है, लेकिन लैपटॉप के लिए ये माइक्रो कंट्रोलर बना है अपनी ईसी के अंदर, यानी कि एम्बेडेड कंट्रोलर के अंदर। तो आपको यहां भी कनेक्टर के ऊपर ऐसे आपको कीबोर्ड लगा के रखा है, इसके तुरंत बाद कुछ कुछ लैपटॉप के बोर्डों के अंदर ऐसे पीएफ आपको देखने को मिलेंगे, हर एक लाइन के लिए ऐसे पीएफ देखने को मिलेंगे, ये नेटवर्क में भी हो सकता है, नेटवर्क पीएफ यानी कि इस तरह का चार चार का या फिर पांच पांच का, जिसका कलर कौन सा होगा ब्राउन कलर या फिर व्हाइट कलर, तो कीबोर्ड कनेक्टर के बाद में ऐसे नेटवर्क पीएफ होंगे, तो हमने डेस्कटॉप के अंदर उसका रिपेयरिंग देखा था कि नेटवर्क पीएफ को पहले निकाल दो, नेटवर्क पीएफ को यहां से निकाल दो, नेटवर्क पीएफ नहीं होगा तो भी कीबोर्ड आपका वर्क करेगा, ये प्रोटेक्शन सर्किट का काम करता है। अगर ये कीबोर्ड का ये पर्टिकुलर पीएफ अगर समझो शॉर्ट हो गया है तो हर एक डेटा यहां से हो जाएगा ग्राउंड, या फिर माइनर लीकेज हो गया है तो भी ये डेटा हो जाएगा ग्राउंड, तो आपको पीएफ निकाल देना है, ये पीएफ आपको एक बार बाहर निकाल दो फिर उसका टेस्ट करो कि की चल रही है। अगर कीबोर्ड के पीएफ निकालने से भी अभी आपका कीबोर्ड का पर्टिकुलर एक सीक्वेंस नहीं चल रहा है तो अभी ये लाइनें जो जाती है वो सीधी ही जाती है अपनी ईसी के अंदर, तो आपको अभी रिप्लेस क्या करना पड़ेगा ईसी, तो इसी को आपको रिप्लेस करना है, उसके बीच के जो ट्रैक है उसमें कहीं पे भी अगर समझो कि भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर जंक लगा है तो उसको पहले क्लीन कर दो थीनर से, एक बार क्लीन करके एक बार ड्राई शोल्डर करके चेक कर लो, अगर इससे भी नहीं होता है तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी आईओ, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर कीबोर्ड को चलने के लिए जो लगने वाला माइक्रो कंट्रोलर है अभी इसी के अंदर बना है। अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर अलग अलग बोर्डों के अंदर देख लो, तो नेटवर्क पीएफ हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जिसमें होगा उसमें दिखाई ही देगा, आपको कीबोर्ड कनेक्टर के बिल्कुल पीछे होगा और ईसी जो है ईसी के साथ में वो जुड़ा होगा, तो उसके अंदर देखो अभी